एक कल शिकायत आई कि क्या भैंस में तो क्या वो कोई सच्ची घटना है कोई या कोई पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश है? नहीं देखिए, गांव तो मेरा पूरा अलवर और पूरा प्रदेश और पूरा देश है, लेकिन जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार के पैसों से अपनी महिमा मंडल करने का, मैं मानता हूँ कि जिसके पास बहुत अधिक इस तरह से भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति अपने आप में ही पागल हो जाते हैं और वो तरह तरह की इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं जिसमें समाज अस्ता है। और उसी प्रकार से इन लोगों ने जिस प्रकार से बहुत अथाक रूप से भ्रष्टाचार का पैसा कमाया है, अब वो पैसा हजम इनसे हो नहीं रहा है और इस प्रकार से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अपना महिमा मंडल करने का ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज इन सबको देखता है और समाज को हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर, और समाज इस बात के लिए भी चिंतित है कि कैसे किस प्रकार की कहाँ त्रुटि रहेगी, जैसे ऐसे व्यक्तियों को कोई ये स्थान मिल गया लेकिन समाज उसको दुरुस्त भी करेगा। लेकिन ये बात सही है कि देखो पशुधन है, उसको इतना ध्यान, पशुधन को क्या पता ये किस चीज़ की आवाज़ है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से ये सही है कि किसी भी तरह का एकदम से जो कोई आवाज़ होती है इतनी लो हाइट पर, जिस प्रकार से गाँव के लोगों ने बताया कि फ्लाइंग की जा रही है, पशु पक्षी है, पक्षी है, मोर है, उनको भी बड़ी परेशानी हुई है। बहुत से लोगों के बताया गया कि शाम को पशुओं ने दूध भी नहीं दिया इसके कारण। तो ये मैं मानता हूँ कि प्रशासन जिस प्रकार से आज कांग्रेस के इशारे पर नाचता है, कांग्रेस के विधायकों के इशारे पर नाचता है, प्रशासन केवल आज इन विधायकों के कार्यों में लिप्त है, इनके भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और इनके साथ इनकी ठेकेदारी करने का काम आज प्रशासन कर रहा है कि इनके इशारे पर अवैध रूप से ज़मीनों को कब्जे करवाना, अवैध रूप से ज़मीनों को खाली करवाना। ये लोग बड़ा पैसा इन चीज़ों में कमा रहे हैं, खा रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह आप देखेंगे लूट खसोट जारी है और इनको कोई असर नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान केवल, क्योंकि विनाश काले विपरीत पुतिन का ध्यान केवल पैसा कमाने पर और किसी काम पर नहीं है। एनसीआर को लेकर लगातार अलवर की डिमांड आ रही है।